यो व्हाट्सअप का तो कैसे हो सभी लोग। और ऐसे मेरे को शुरुआत ही करनी चाहिए क्योंकि छोटे भाई इमराज के साथ बहुत गंदी बात हुई है। उसने सोचा था नेट नहीं आ रहा, रोबलॉक्स को अनइंस्टॉल करके फिर से कर लेते हैं। उसे आईडी का नहीं पता ना गाइस, पासवर्ड याद नहीं है। और अभी कुछ 3-4 दिन में इमराज की आईडी वापस आएगी, तो हम आज खेलने जा रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पंच सिमुलेटर। नहीं सो गाइस, अभी हमारा हो गया लोड। और देखो मैंने रेनबो केप तक कर रखा है। मेरे को 3 ट्रिलियन चाहिए अपना 10 तक पहुँच के देना है, मेरा 1 ट्रिलियन है। ओके देख रहे हो गाइस, मैं स्पीड दे रहा हूँ। अब इसमें हमें कुछ ही करना होता है और एक पंच दे रहा होता है और हमें ऐसा ऐसा ना पावर मिलती है। वर्ल्ड वन में बहुत कम पावर मिलती है। मैंने तो अनलॉक कर रखे इसलिए मैं आगे जा पा रहा हूँ। आपको तो आपको ना आपको एक लिमिटेड टाइम होता है यहाँ पर। जैसा अगर आपने यहाँ पर कितनी देर तक रुकना होता है, अगर हमें 500 के करनी है तो फिर आप वर्ल्ड 2 में पहुँच जाओगे। मैं मेरे पास तो 1 ट्रिलियन है, आप सोच लो कहाँ तक होगा। अभी वर्ल्ड 2 है तो यहाँ पर फिर से पावर बहुत कम मिलती है। वर्ल्ड 3 के हमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। वर्ल्ड 4 देख रहे हो लोग ना इतना छोटा मेरे इतना गड्ढा बनाते हैं वर्ल्ड 4 के, लेकिन मैं तो वर्ल्ड 10 का हूँ। मैं तो मैं सब लोगों की ना मदद कर सकता हूँ। देखो ये और बोते हैं, इनसे हमें ज़्यादा सिक्के मिलते हैं। ये देखो है ना मेरे पास, अभी तो मेरे पास बिलियंस और बिलियंस देख रहे हो, देखो आगे दिख रहा है ना। और हमें और ढूंढने के लिए जा सकते हैं। ठीक है मैं वर्ल्ड 9 पे चला गया था, वर्ल्ड 10 पे है ना, तो ये 10 पे था। जैसे ही मेरे को वर्ल्ड 11 तक होता है, इतना छोटा छोटा बन रहा है क्योंकि क्या है अभी मैं होता रहता है ना, मतलब कि जितने हमें गड्ढे बनाए ना, हमें ना सबसे नीचे तक पहुँचना होता करने के लिए। बहुत ज़्यादा जितना डीपर जाएगा उतना अच्छा हमें और भी मिलेगा। ठीक है बड़े वाले और ज़्यादा रहते हैं, छोटे वाले कम रहते हैं। तो जब हमें रीजनरेट हो जाता है ना, हमें जितने भी लंबे लंबे गड्ढे बनाए ना बता रहे सारी की सारी चली जाती है। देखो नई आई डी बनी है ना, तो सर कोई बात नहीं, नई आई डी बनी बना दी। ज्वाइन करता गाइस 5 मिनट, मैं अभी ना यहाँ पर आपको बुला रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं उनसे गेम भी समझा दिया और मैंने उसे अपना फ्रेंड भी बना लिया। और अभी कपड़े सेट कर कर आ रहा है वो। ये गाइस ये ओ तुम्हारे डॉन आ गया, मैं हेल्प यू रियलो। जाओ जाओ बच्चों, जाओ जाओ जाओ। कह इनकी थोड़ी मदद कर देते हैं, हम खोद देते हैं इनके लिए। इनको ना इतना छोटा गड्ढा भी नहीं खोदा जाएगा इनसे। लेकिन मैं तो देख ही पा रहा हूँ गाइस कितने बड़े बड़े गड्ढे में खोखला कर देते हैं। रीजनरेट हो गया, चलो वर्ल्ड 2 पे चलते हैं। डिमोटेड सिटो, मैंने किसी को कहा ज़्यादा किल करते हैं ना तो वो हमें डिमोट भी कर सकता है।
गन टोटल वर्ल्ड होते हैं गाइस 13, और मतलब उसी में को सिर्फ 3 और वर्ल्ड चाहिए। साली गुफा से निकला था मैं, देखो पूरा भूल भुलैया बन गया ना। आज हमारा ज्वाइन कर ले, बता ना कैसे खेलना, आ गया ना। चलो आप लीव करते हैं, आज अब खेल ले जाओ, हटा दे, हटा कर फिर से खोल। ओके गाइस, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही नहीं थी, अभी हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, एल्बेडो की माइनक्राफ्ट मूवी। आज हम देखने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की मूवी। आई मेड अ माइनक्राफ्ट मूवी बट कॉज मोजांग डिडंट। हाँ करते ही नहीं है। देखो क्या हुआ था, 2014 में उन्होंने बोला था, उनको लीक हो गया था कि वो एक वो बनाने वाले, फिर उन्होंने 2015 में स्टार्ट करा, 16 में अनाउंस कर दिया और 17 में बता दी रिलीज डेट, जो कुछ थी सितंबर के राउंड थी रिलीज डेट 2017 में, फिर वो डिले हो गया 2019 में, फिर पैंडमिक की वजह से 2020 में भी वो रिलीज नहीं हुई, 2020 नहीं हुई, और अभी 2022 में होनी थी मार्च में, अभी बिल्कुल 8 मार्च को होनी थी, नहीं हुई। सोसाइटी ऑफ डार्क ह्यूमंस ने जब डिले हो जा रही है, ये तो जहाँ तक मैंने देख रखा वहीं से देखूंगा गाइस, आपको नहीं दिखाएंगे हम। से इन लोगों ने उस सीक्रेट तो 5 मिनट यार, अभी मेरे से भी नहीं हो रहा है, नहीं तो कोई और गेम खेल लो, तब तक अपना फेवरेट गेम खेल लो। देख जरा एक और गेम है ना, नहीं मैं यूट्यूब देख लूँगा, ज़्यादा देख लें।
था। एंड क्योंकि स्टीव ने विलेजर पे एक एहसान किया तो विलेजर उसको थोड़ा बहुत खाना दे देता है अपने विलेज का। वो निकल पड़ता है ये खोजने कि उसके एंसेस्टर्स डार्क सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस के साथ क्या हुआ। देन उसके दिमाग में एक चीज आती है कि जैसे इस ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट्स छुपे थे, वैसे ही माइनक्राफ्ट के दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होंगे शायद जमीन के अंदर छुपे, जिनके अंदर उसको और भी सीक्रेट्स रिवील होंगे। तो स्टीव ने दिन रात लगा दिए जमीन को खोद खोद के कि कुछ तो ऐसा उसको मिलेगा जिससे उसको अपने एंसेस्टर्स के बारे में और पता चलेगा। एंड काफी टाइम बाद उसे फाइनली कुछ मिल जाता है। उसे मिलता है एक अजीब सा एरिया जिसके अंदर ऐसे स्टोन ब्लॉक्स हैं जो आधे आधे टूटे हैं, एंड जब भी आप इनको तोड़ोगे तो इसके अंदर से गंदी गंदी सिल्वर फिश निकलेंगी। देन वो इनसे लड़ लड़ के इन मॉन्स्टर्स को खत्म करते करते फाइनली कुछ ढूंढ निकालता है जो कि उसके होश उड़ा देते हैं। स्टीव को फाइनली एक नया स्ट्रक्चर मिलता है जो कि होता है एंड पोर्टल। देखते ही इसको पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ चीजें फिट होनी है जिससे ये एक्टिवेट होगा। देन स्टीव को याद आता है कि उस विलेजर ने बताया था कि उसके एंसेस्टर्स ने प्रोग्रेस को और तेजी से करने के लिए नेदर को एक्सेस किया था, तो वो समझ गया था कि उसको भी नेदर को एक्सेस करना होगा। एंड फाइनली काफी देर की माइनिंग के बाद उसको ऑब्सीडियन भी मिल जाता है, फ्लिंट एंड स्टील भी मिल जाता है, एंड देन वो फाइनली नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता है। अब बारी है नेदर में जाने की। क्योंकि ये एक मूवी है एंड मूवीज को बनाने में लगता है बजट, इसलिए दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोस्टबेट। मोस्टबेट एक इंटरनेशनल आपने फाइनली पहुंच चुका है नेदर में, एंड यहाँ उसको आते ही पता चल जाता है कि ये नेदर नॉर्मल वर्ल्ड से कितनी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ के मोस्ट ऑफ दी मॉब्स बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल हैं, और तो और यहाँ पानी की जगह लावा के समंदर है। तो स्टीव आहिस्ता आहिस्ता करके इस जगह को एक्सप्लोर करता है, एंड उसको मिलती है एक अजीब सा मॉब जो कि पिग और ह्यूमन के बीच का हाइब्रिड लगता है, जिसका नाम है पिगलिन। एंड वो देखता है कि उस पिगलिन ने गोल्ड को उठाया, एंड देन वो एक टाइप का हिप्नोटाइज हो गया उस गोल्ड से। तो स्टीव समझ जाता है कि अगर इनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो भाई इनको गोल्ड की लालच देनी होगी। एंड वो पिगलिन स्टीव को बताता है कि हाँ ये सच है कि उसके एंसेस्टर्स आते थे नेदर में एंड अजीब और गरीब रिसोर्सेज लेके जाते थे ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स पे काम करें एंड सिविलाइजेशन को इवॉल्व करें। एंड पिगलिन ये बताता है कि वो ह्यूमंस एक्चुअली में ये काम अपनी मर्जी से नहीं करते थे, बल्कि उनको हिप्नोटाइज किया हुआ था एक एंटिटी ने जो माइनक्राफ्ट की पूरी वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहती है। पिगलिन ये बोलता है कि उसी पोर्टल के थ्रू उस एंटिटी ने उन सारे ह्यूमंस को अपनी तरफ घेरा एंड उनको ट्रैप कर दिया उसी डायमेंशन में जहाँ पे वो एंटिटी रहता है। तो पिगलिन उसको बोलता है कि अगर तो तुम मुझे इनफ गोल्ड प्रोवाइड कर देते हो तो मैं तुम्हें इनफ एंटर पल्स दे दूंगा, देन तुम्हें इधर जाने एक स्ट्रक्चर मिलेगा नेदर के अंदर ही, नेदर फोर्ट्रेस, जिसके अंदर ब्लेज है। वो ऐसे मॉब है जिसके अंदर से फायर निकलती है एंड उनकी जो टांगे है ना ब्लेज रॉड्स, उनको काट के तुम्हें लाना है। तो स्टीव ऐसे ही करता है, नेदर फोर्ट्रेस में सर्वाइव करना थोड़ा खतरनाक है, बट स्टीव भी जिसकी विल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लड़ ही लेता है ब्लेज से, एंड वो ब्लेज की टांगे काट के ले आता है। नेदर पोर्टल से निकलने के बाद स्टीव एक बार अपनी पूरी वर्ल्ड को भरी आंखों से देख लेता है भरपूर, क्योंकि हो सकता है ये लास्ट दिन हो जिस दिन वो इस वर्ल्ड के अंदर जिंदा रहे। तो वो बिना कुछ सोचे समझे इस पोर्टल के अंदर छलांग मारता है, बट वो स्पॉन होता है एक ऐसी वर्ल्ड के अंदर। उसको एक आवाज आती है, जी हाँ ये वही एंटिटी है जिसने स्टीव के एंसेस्टर्स को कैद करके रखा है इस डायमेंशन के अंदर, जो कि है एंडर ड्रैगन। तो स्टीव निकाल लेता है अपनी डायमंड की तलवार एंड वो एंडर ड्रैगन पे अटैक करना शुरू करता है, बट वो क्विकली नोटिस कर लेता है कि जैसे जैसे उस एंडर ड्रैगन को वो अटैक करता है वो दोबारा से अपनी हेल्थ गेन कर लेती है। बट स्टीव एक और चीज को नोटिस करता है कि जब जब वो उस पर अटैक करता है तो वो ड्रैगन उड़ती है हवा में, देन वो जो ऊपर अलग अलग टावर्स लगे ना उस पर कुछ तो है जिससे वो अपनी हेल्थ को दोबारा से खा लेती है। तो स्टीव समझ जाता है कि इन सारे टावर्स पे जाके उन नेदर स्टार्स को तोड़ना होगा जो ऊपर लगे हुए हैं। इनकी फाइट काफी ज्यादा एपिक चलती है, समझ लो वो जो एंड गेम का पूरा सीन था ना उस टाइप की फाइट। स्टीव बिल्कुल मरने ही वाला होता है, बट वो आखिरी सांस पे अपनी तलवार को निकालता है एंड सीधा का सीधा उस ड्रैगन की गर्दन पे फेर देता है। एंड फाइनली इतनी लंबी बैटल के बाद स्टीव ने फाइनली अपने एंसेस्टर्स का बदला ले ही लिया। अब स्टीव एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपने एंसेस्टर्स के साथ यहाँ पे रीयूनाइट करेगा, बट सैडली उसको ये रियलाइज हो जाता है कि उसके एंसेस्टर्स और कोई नहीं बल्कि एंडरमैन ही हैं, जिसको उस ड्रैगन ने अपने कब्जे में कर लिया एंड वो कभी उससे बाहर नहीं आ सकते। बट वो इस बात से खुश होता है कि उसने फाइनली माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड को फ्रीडम दिलवा दिया एंड उसने अपने एंसेस्टर्स का बदला भी ले लिया। एंड इतनी छोटी मूवी। चलो ठीक है, देखते हैं। Yeah.
छपाती गेमर देखते हैं, छपाती गेमर माइनक्राफ्ट एनिमेशन, क्योंकि गाइस सारी वीडियो में सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी एनिमेशन आ गई थी। डफ ने कहा बाल टूटने की फिक्र मना है, बाल रिपेयर करें गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम, इसमें है 30 गुना विटामिन सी। हमारी त्वचा अलग लेकिन डलनेस और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम सेम, अब हमारे पास है विटामिन सी युक्त गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम जो डार्क स्पॉट्स कम करे। गाइस आपको मेरा सोनिक 3 का फैन मेड ट्रेलर कैसा लगा? पता नहीं मैंने उसे ऑफिशियल ट्रेलर को लिख दिया, यहां तक तो मैं देख रहा हूं। लेट्स गो, एकदम से बड़ी वाली दीवार, विच की बैंड बज चुकी है। आप बोल विच कहीं की, ओए एप्पा लेट्स गो भाई। अभी जो है गाइस पास अप कर चुका है, हमला है ना, तो ऐसा लग रहा है। भाई ये क्या मार रहा है यार, ये तो इनका प्लान एकदम से कामयाब हो चुका है। ट्राइडेंट भी इसके पास आ चुका है, एलेक्स के पास। लेट्स गो, यप लेट्स रोल इट। ओ भाई, ओ हो 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 भाई साहब, नाइस। अभी देखो 20 की बारी आ चुकी है, कम ऑन गो। और ये आइटम तो नहीं हवे की तो नहीं आ चुका बदला लेने का। अरे भाई साहब यार, ये सीन देख के मेरे को किसकी याद आ रही है, KGF की फायर, वो ट्रक वाला सीन याद आ रहा है मेरे को यार यहाँ पर। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ऑब्वियसली अपनी विच भी आराम से बैठने वालों में से नहीं है। ओ इसका भी गुस्सा आ चुका है। पोशन पी, मार उसको। ओ नो, गलत पोशन भाई। भाई कितनी ईवल है ये विच। अरे नहीं, नॉट द चार्ज क्रीपर्स। ओ नो, ओ माय गॉड। हाँ, अभी पासा फिर से पलट चुके गाइस, प्लान फेल। अभी भाग, मर जाएगा, भाग। आयरन थ्री की तरह ट्राइडन काम आएगा। एलेक्स भाग ले, स्टीव निकल भाई यहां से। नहीं मत कर, ओ भाई क्या डॉच किया विच ने। ऑब्वियसली गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर जो है विचेस बहुत खतरनाक हो सकती है। पक्का उसने स्पीड वाला पोशन भी होगा विच ने, क्या स्पीड बढ़ गई उसकी, एजिलिटी वाला ना। ओह माय गॉड, हाँ विच की टोपी उतर गई ना तो विच वीक हो जाती है, ऐसा मैंने सुना था। ओ माय गॉड, उसका बड़े वाला ज़ॉम्बी आ चुका है हमला करने के लिए। नहीं, गांव के अंदर बच्चा, पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे को एक्चुअली सैड फील हो रहा है यार, वो फिर से हनी तोड़ रहे हैं। इस बारी वो लेके नहीं जा रहे, इस बारी उन लोगों को पूरा गुस्सा आ चुका है और इस बारी उन लोग बच गया भाई तू। तो इस बार इन लोगों ने ठान लिया कि इस बार ये फुल डिस्ट्रक्शन करेंगे और इनका हनी निकल चुका है बाहर। नहीं, डैम, उनका पूरा हनी ले गई यार। भाई साहब, अरे मत पर भाई, मर जाएगा, मेरे को लगा था कि ये मरेगा, बच गया लेकिन एंड मौके पर इसने डॉच कर लिया इसको। पूरा स्टैश चेक कर लेंगे। कितना बुरा यार, मेरे को लगा था कि इन लोगों ने प्लानिंग मस्त वाली करके रखी है, लावा वगैरह। ओ ओ ना, तो पूरी जमीन सूख गई यार। अब अच्छा विदर नहीं था, तो यार मैं ये कह रहा था कि प्लानिंग मेरे को लगा था कि इस बारी मस्त वाली करके रखी हुई है, इस बार ये जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर से पासा पलट चुका है यार।
और अब की बारी बीज ने भी जो है हार मान ली है, क्योंकि जितनी वो हनी कलेक्ट कर रहे हैं फ़ायदा कुछ नहीं है हनी कलेक्ट करने का, क्योंकि जितना भी हनी कलेक्ट हो रहा है वो रात को आ रहे हैं उनका हनी लेके जा रहे हैं। तो लिटरली ये बंदे मेहनत कर रहे हैं और वो विच आके इनकी मेहनत इनकी आँखों के सामने लेके जा रही है। सो नॉट फेयर यार, इसकी हैट हैट के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। Maybe witch. अरे ये सूंग के पता कर रहा है कि ये witch का घर कहाँ पर है। Yo, अब की बारी best guys, तुम भी हमला करो यार। Okay, I think यही होने वाला है। Oh भाई, wait. ठीक है। Hang on a second. डिस्पेंसर और पीस का साइज तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे कैसे हो चुके हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी आ चुका क्लाइमेक्स वाला सीन। तो डॉगी ने हैट को सूंघा और अभी हैट को सूंघने से ऑब्वियसली गाइस कुत्तों की शक्ति सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो उसने सूंघ के पता लगा लिया कि विच का अड्डा कहाँ पर हो सकता है और अभी अपनी आर्मी जा रही है विच के ऊपर हमला करने के लिए। लेट्स सी, सब रेडी है भाई। इन लोगों ने ग्राइंडिंग करके और गोलम समन करके रखे हुए हैं, एक्चुअली जा रहे हैं। Come on, doggy तो कर सकता है यार। One like for our doggy. Okay, simple सी building बनी हुई है। New Olay collagen peptide. Unlike regular collagen, it penetrates better. मज़े आ रहे थे। Round one. Fight. She doesn't kick ass. जब इस बार उन लोगों को पूरा मतलब ये कर दी भाई, ये विच कितनी इवल करके विच का अड्डा कहां पर हो सकता है और गोलम समन करके रखे हुए हैं। ट्रेंडिंग करके और गोलम समन करके रखे हुए हैं, एक्चुअली जा रहे हैं। ओ भाई साहब, कम ऑन डॉगी तो कर सकता है यार। भाई क्या प्लान है फॉर डॉगी। सिंपल सी बिल्डिंग बनी हुई है, तुम लोग टीएनटी फोड़ के बिल्डिंग को नीचे गिरा सकते हो। मेरे को पहले ये देखना कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो हनी होती है उससे कौन सा पोशन बनता है। दो सेकंड मैं एक मिनट रिसर्च करके आता हूँ। हनी बॉटल कैन बी ब्रूड इनटू अ पोशन ऑफ हेल्थ फूड, तो मतलब कि अगर हनी वाला पोशन पीते हो तो आपको एक्स्ट्रा हेल्थ मिल सकती है। हाँ ये विच कितनी इवल है भाई। ओके अभी तो गई, अभी हम तेरे घर के अंदर आएंगे भाई, तेरा खून बहेगा तेरी धरती के ऊपर। बुला ले अपनी आर्मी। ऑब्वियसली ये दिन को कैसे आ रहे हैं। ओके ऑब्वियसली ये दिन नहीं है, शाम का टाइम है। शाम है और शाम के टाइम मॉब आ सकती है। हमला हो चुका है भाई, अभी विच को पता लगेगा घर के अंदर घुस के हमला कैसे करते हैं। गुस्से में आ चुकी है। ओह तेरे, लेट्स गो बिग अटैक। सबसे पहले गोलम को भेजो, ये आइडिया बेस्ट था। नाइस नाइस नाइस। अरे इनके व्हाट, अरे उनके पास फायर चार्ज था इस बारी। यार मिलिट्री वाले हेल्प। नाइस, वाओ, एकदम मुंह के ऊपर चपेट पड़ी है इसको। लेट्स गो, फायर चार्ज बहुत अच्छा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। सुबह होने वाली है। भाई क्या एनिमेशन है यार, कौन बनाता भैया एनिमेशन, बहुत तगड़ी एनिमेशन है। ओ भाई अंदर तो घर के अंदर ही मारा साले को, गार्ड की तरह बैठा हुआ है भाई। भाई एलेक्स कितनी तेज है यार। अरे क्या है भाई, स्टेप भी कुछ कम नहीं है भाई। दीवार के ऊपर चढ़ के उसने घुमा के लात मारी स्केली को। भाई एजिलिटी देखो यार, पूरे घर के अंदर ट्रैप्स लगी हुई हैं। लेकिन हमारे लॉन्ड अभी भाई कुछ कम नहीं है, खतरनाक। ओके स्टेप भी बहुत एपिक कर रहा है यार। ओ भाई लेट्स गो। ओके गंजी आ गई, गंजी फाइनल पुड़ाओ, गंजी पी ले जितना मर्जी पीना पी ले, अभी तेरी मौत आने वाली है। नाउ इज 2 वर्सेस 1। ओ भाई 2 वर्सेस भाई, पोशन मार के डैमेज कर रही है। शिव और एलेक्स पता नहीं है कि उनकी पावर, दोनों एक साथ मारो भाई। अरे विच कितनी पावरफुल है यार, दो दो बंदे पर भारी हो चुकी है ये। नहीं, बाहर 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 मत खेलने। नहीं बच के,
सर गोलम और विच की ना वैल्यू मेरे वो बहुत हो गई है भाई साहब। आज मैं कल भी गोलम को नहीं मारूंगा, उसको पढ़ने वाली थी। इतना कम था। कम ऑन कम ऑन एलेक्स, नॉट एलेक्स, स्टील तो कर सकता। अरे पोशन ऑफ पॉइजन है आई थिंक। पॉइजन? हाँ हाँ पॉइजन है, पॉइजन है। भाई मेरे को लगा था कि भाई स्टीव गया। मज़े आ गए। Let's go, we did it। अभी हम लोग happily ever after जी सकते हैं भाई। अभी अपना हनी कोई चोरी करके लेकर नहीं जाएगा। एकदम epic यार। मस्त था ये। बहुत सही है। Back into the happy village। देखो सब कुछ restore हो चुका है। ये देखो गॉलम सारे मस्तियां कर रहे हैं। अपना हनी वापस आ चुका है। अरे let's go, कितने खुश हो चुके हैं बंदे अपने। तो रिवॉर्ड के तौर पर ब्रो तेरे को पूरी टैची मिलती है, वो भी हनी की। एंजॉय। अवार्ड के तौर पर बाबू, अरे क्या खुल गया है, चल ये क्या ले रहा था, ब्लिस का भाई ये क्लब, वो क्लब, क्लब ही करता हूं। एंजॉय, लेट्स गो वापस चले गए गाइस अपने ग्राइंडिंग पर। लेट्स सी अभी क्या होता है। आई थिंक अभी खत्म हो चुकी है। हैप्पी एंडिंग भाई, एकदम जबरदस्त स्टोरी थी यार। मेरे को लगा था कि लास्ट के अंदर विच आएगी, उसके ऊपर पोशन मार देगी और वो एलेक्स तो बेहोश हो चुकी है, स्टीव मर जाएगा। और जैसे स्टीव मरा वो विच एलेक्स को ही मार देगी। एंड बैड क्या यार, 2 साल हो गए खोदते, लेकिन एक भी एंजेंट अब्रिज नहीं मिला। अरे चपाती भाई, उज्जवल भाई, आप यहाँ कैसे फंस गए? शायद सबकी तरह मुझे भी चॉइस मिली है। एक काम करता हूँ, दोनों को ही बचा लेता हूँ, वैसे भी कौन ही देख रहा है। इतनी सस्ते क्यों दिखा रही है? अरे चपाती भाई आ रहा हूँ यार, रुको पहले आपको ही बचा लेता हूँ। थैंक यू, कितना अच्छा भाई, हार्ड काम कर रहा है। उज्जवल भैया आप भी आ जाओ। अरे ये मैं कौन सी जगह आ गया? तुमने माइनक्राफ्ट का रोल तोड़ा है, अब सड़ो यहीं पे। घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उज्जवल ये कैसे फ्लैक्स कर रहा है भाई, मेरे को तो करना भी नहीं आता, कैसे किया इसने? तेरी पैसे के निकल यहाँ से। थैंक यू चपाती भाई। क्या यार, 2 साल हो गए खोदते खोदते, लेकिन एक भी एंजेंट अब्रिज नहीं मिला। अरे चपाती भाई, उज्जवल वाह भाई, क्या सही था। हाँ भैया यार, देख रहा बहुत खतरनाक है माइनक्राफ्ट, बट मैं कलर ब्राउन को टच नहीं कर सकता हूँ। ओके तो हमारे को एक सेकेंड, ओ तेरी ये माइनक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही ब्राउन नहीं लग रही है। ओके तो हमारा गोल है डायमंड को फाइंड करना, जो लगता है काफी इजी होगा। तो सबसे पहले हम कुछ टूल्स को क्राफ्ट करते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत ही गलत कलर चूज किया है, इसका कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। ओ तेरी भाग। ओ भाई अब ये क्या है? अरे बाप रे डायमंड्स, बट मुझे तो 3 ब्लॉक मिले। मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड्स तो हमें आगे भी मिलेंगे, पहले हमें गाय को बचाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी गौ माता है। अरे मैं तो धन्य हो गया, मुझे डायमंड्स मिल गए, ये साक्षात गौ माता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है। समझने की जरूरत भी क्या है? ये है माइनक्राफ्ट के टॉप 5 सबसे कमजोर मॉब। नंबर 5 ज़ॉम्बी, इसे मारना काफी आसान है और ये एक अटैक में सिर्फ 1.5 हार्ट का डैमेज करता है। नंबर 4 एंडरमाइट, ये माइनक्राफ्ट का सबसे छोटा मॉब है, तो इससे क्या डरना। नंबर 3 सिल्वर फिश, ये सिर्फ आधा हार्ट का डैमेज करता है, बट इसकी गैंग खतरनाक है। नंबर 2 बेबी ऑगलिंग, ये सिर्फ खतरनाक दिखते है पर असल में ये डरपोक है। नंबर 1 बेबी स्लाइम, ये आपके ऊपर अटैक करेगा पर आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का सबसे वीक मॉब है। इस साइड है नूब टाइप्स ऑफ माइनक्राफ्ट प्लेयर्स। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज पार्ट 99। चलो चेस्ट में देखते क्या है। अरे यार एक डायमंड कम है, एक स्टैक कम। देखो ये इस मतलब कि दोबारा से खेलने जा रहा पार्ट 99, अभी खेल रहा है ना, पहले थोड़ी खेल रखा है पार्ट 99, पहले तो पार्ट 98 खेला था ना। उन्होंने के लिए बस कुछ अच्छा मिल जाए। वाव एक पूरा बोन, यार मैं कितना लकी हूँ। यस फाइनली मेरा टेप। चलो ओके गाइस, इस नूब वीडियो के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अपनी प्रो वीडियो।